हाय गाइस, वेलकम बैक टू एडिस व्लॉग। तो गाइस, आप सभी को पता ही है कि मैं अभी नया शहर पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो जैसे कि चलते हैं लोग, यहाँ पे जैसे चलते हैं, तो वहाँ अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, तो उसमें मुझे टाइम लग रहा है हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, हर चीज़ को सीखने के लिए। तो अभी ऐसे तो मैं सब्जी ख़त्म हो जाने से रूम का या फिर कुछ खरीदना हो तो मैं बाहर ही जाता हूँ, अपने वो ड्रेसिंग वगैरह का छोड़ के। अक्सर मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, कपड़े वपड़े, जूता वूता जो जितना होता है, सब ऑनलाइन ही खरीदता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऑनलाइन ही खरीद के, पर सब्जी का बात अलग होता है। सब्जी का खरीदना अक्सर मेरा बाहर जाके होता है, मार्केट एरिया से ही होता है, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है सब्जी वगैरह का। तो अभी सब्जी ख़त्म हो रखा है रूम में, और दोस्तों का रिकमेंड था कि ऐसा वैसा ऐप वगैरह है, फ्लिपकार्ट में भी ग्रोसरी आइटम्स वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर जियो मार्ट है, ऐसे बहुत सारा ऐप्स है जहाँ से हम सस्ते में सब्जी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, वो भी घर बैठे बैठे, हमको मार्केट जाना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, आज पहली टाइम मैंने सोचा कि चलो दोस्तों को बात दोस्तों का बात भी सुन लेते हैं और कुछ सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सब्जी था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, कुछ प्याज है, चिल्लीस है, और ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो चलिए ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन सब्जी और देखते हैं कैसा होता है ऑनलाइन वाला सब्जी, है कि नहीं। कपड़े अपड़े तो अनबॉक्सिंग करके देखें, आज सब्जी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए ऑर्डर कर लेते हैं सब्जी भी। तो ये जो फ्लिपकार्ट का मेन पेज खुल गया यहाँ पे, अभी देखते हैं सब्जी का आइटम्स किधर है। टॉप ऑफर्स ग्रोसरी, ये ग्रोसरी में होगा, वो ग्रोसरी किचन होम एंड किचन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से हम अभी ऑर्डर करेंगे सब्जी। ये है टमाटर, टमाटर का किलो कितना दिख रहा है यहाँ पे, 22 रुपया किलो। अनियन 35 रुपीज किलो। ये आलू पर किलो 20 रुपीस। लहसुन का एक पाव 22 रुपया, ऐसा है सब्जी वगैरह का दाम वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत सारा सब्जी फल मूल भी है। यहाँ पे दाम तो ठीक ही लग रहा है, प्राइस वगैरह सस्ता सस्ता दिख रहा है। ऑर्डर करके देखते हैं, टमाटर ले लेते हैं। टमाटर ऐड कर लेते हैं 1 kg। तब क्या हुआ, एक्चुअली मैं फ्लिपकार्ट से जो ग्रोसरी आइटम है ना, जो मेगा मार्ट साइट, तो उससे मैं ऑर्डर कर रहा था। तो वहाँ क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद डिलीवरी का दिखा रहा था और उसमें डिलीवरी चार्ज 75 रुपीज़ था। तो मैंने सोचा यहाँ से खरीदने से तो बेटर है बाहर ही खरीद लें, फिर बाहर भी जाना था तो मैं गया बाहर, पर सब्जी खरीदना भूल गया। फिर आके और बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर दोस्त को पूछा कि ऐसा ऐसा है कि जो 90 मिनट्स एक डिलीवरी होता है तो वो वाला कहाँ मिलेगा। तो वो फ्लिपकार्ट पे ही है, और वो जो ग्रोसरी तब मैंने दिखाया था आपको, जो ग्रोसरी आइटम्स वगैरह का जो ऊपर पे एक कॉलम था उसमें, तो वहाँ से ऑर्डर नहीं करना था मुझे। मुझे एक्चुअली आपको दिखाता हूँ मैं अपने मोबाइल पे, मुझे एक्चुअली ये जो है क्विक, ये क्विक से ऑर्डर करना था। क्विक से अगर ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे मेरा डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगा, फिर 90 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगा बोल के बताया है। अभी पता नहीं कितने देर में आता है अभी चीज़, पर डिलीवरी 90 मिनट के अंदर हो जाएगा बोल के दिखाया है। आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या खरीदा अभी।
तो ये है, रुकिए एक मिनट, व्यू वॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटैटो 1 किलो, आलू 1 किलो खरीदा है उसका 24 रुपया, उसके बाद ये मटर, कच्चा मटर ये 24 रुपया आधा किलो है ये, उसके बाद टमाटर है 1 किलो 25 रुपया, और ये मैगी मसाला बड़ा पैकेट वाला 12 रुपया, ये धनिया का, धनिया 1 रुपया दिखा रहा है यहाँ पे धनिया, पर इसका जो 19 रुपीज़ ये मेरा सुपर कॉइन काटा ना, तो इसका 20 रुपया हुआ, और प्याज 1 केजी 34 रुपीज़, गार्लिक लहसुन 26 रुपया, ये 250 ग्राम मतलब 1 पाव। तो ये मैंने ऑर्डर किया और टोटल अमाउंट आता है मेरा 146 प्लस इधर 19 रुपीज़ सुपर कॉइन। सुपर कॉइन होता है फ्लिपकार्ट का जो डिजिटल कॉइन, वो है सुपर कॉइन। तो सुपर कॉइन मेरे पास था तो उसको ऐड करके मैंने अभी 146 रुपीज़ में ये सब चीज़ें ऑर्डर किया है। अभी देखते हैं कितने टाइम लगता है उसको पहुंचने में। अभी ये दिखाया है 10:36 दिखा रहा है यहाँ पे टाइम, अगर 10:36 पहले पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचता है तो बहुत लेट हो जाएगा खाना बनाना। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है खाना पकाने के लिए, पर क्या करें अभी भूल गया बाहर जाके, तो अभी ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। और देखते हैं कैसा आता है चीज़ें वगैरह, आपको दिखाएंगे जब आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। तो दोस्तों एक अनहोनी हो गया है, अभी तक सब्जी आया ही नहीं, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो गैस है, ये गैस देखिए आप कैसे जल रहा है। सब्जी आया ही नहीं, यहाँ पे दूध बैठाया गया है, ये दूध हो गया अभी 10 मिनट जैसा तो हो ही गया शायद, गर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब गैस खत्म। टाटा बाय बाय खत्म। अभी सब्जी आने से पहले हमको कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, देखते हैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी पकाने के लिए तो है ही नहीं, गैस खत्म हो गया, गैस कल जाके गैस भरा के फिर आज का जो सब्जी आएगा उसको कल पकाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर कर लिया है आज के लिए डिनर, क्योंकि दूसरा कुछ उपाय नहीं है, अभी गैस नहीं जल रहा है तो फिर खाना पकाएगा कैसे। तो दोस्तों हम लोगों का जो पार्सल था सब्जी का वो आ चुका फ्लिपकार्ट से, ये करीबन 10:30 के आसपास ही आ गया, मतलब 10:36 उन्होंने टाइम दिया था उससे पहले ही पहुंचा दिया ये 90 मिनट्स के अंदर। तो इसको अभी पैकिंग आप देख सकते हैं, एक झोला दिया गया है उसमें एक रिसिप्ट है और इसके अंदर सारा चीज़ भर दिया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसको अनबॉक्सिंग करके, इस बैग पे एक स्लिप दिया गया है, इसमें क्या क्या है चीज़ वगैरह उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है, बिल है ये एक्चुअली। तो इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। चाकू किधर है? तो ये है हम लोगों का अनबॉक्सिंग के लिए औजार चाकू। इसको अब हम काटेंगे, इसका जो रिबन लगाया गया है यहाँ पे, इसको यहाँ से घुसा के, अरे एक हाथ में बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए मैंने कैसे अनबॉक्सिंग कर दिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा बैग को ही फाड़ दिया। यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं, तो ये रहा धनिया, 20 रुपया वाला धनिया जो कि 1 रुपया में खरीदा है मैंने, ये साइड पे रख देते हैं। सब चीज़ों का एक्स्ट्रा पैक करके भेजा है, बढ़िया है पैकिंग। और टमाटर तो बराबर ठीक ही लग रहे हैं, इसका टमाटर है, इसके बाद प्याज, इसके बाद है ये मैगी 12 रुपया वाला मैगी, इसको हम सुबह खाएंगे कल ब्रेकफास्ट में,
हाँ गैस भराने के बाद, क्योंकि गैस खत्म हो गया है। यह है मटर, बिना छीले छीला हुआ मटर, मतलब छीला नहीं है, ये जैसे कि तैसे ही है। ये कितना, हाफ किलो था ये। और लास्ट बच्चा है, लास्ट नहीं और एक है, ये है आलू। आलू तो ठीक ठाक दिख रहा है, 1 kg। और ये है लहसुन, लहसुन का जो बराबर ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा है इसका जो वो पार्ट पार्ट होता है ना, जो एक 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 गोली होता है, एक गोली जो लहसुन का एक गोली होता है, वो थोड़ा छोटा छोटा है, छिलने में थोड़ा दिक्कत होगा ज़रूर। तो ये रहा हम लोग का ऑनलाइन सब्जी शॉपिंग। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, और आपको जो करना है कर दीजिएगा प्यार से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।